हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय पांच लोकवित्त। आज के इस अध्याय पांच लोकवित्त वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बजट 2020-21, यानी कि पिछले साल का बजट। देखिए, ध्यान समझिएगा, पिछले साल जो आपका बजट पेश किया गया था, बजट 2020-21, उस बजट में आपके अनुमानित आंकड़े बताए गए थे और उसी बजट को इस साल आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय पांच में शामिल किया गया है और इसमें पिछले साल के बजट के संशोधित आंकड़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे इस साल जो आपको बजट पेश हुआ, बजट 2021-22, इस बजट में भी आपके अनुमानित आंकड़े बताए गए हैं और इसी बजट को अगले साल आर्थिक सर्वेक्षण में से शामिल किया जाएगा, जिसमें इस साल के जो बजट है, बजट 2021-22, उसके संशोधित आंकड़े अगले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में आएंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारा अध्याय पांच लोकवित्त, इसमें हम पढ़ेंगे आपका बजट 2020-21। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, बजट 2020-21, बजट, ये बजट होता क्या है? आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। ठीक है, आय और व्यय के लेखा जोखा को आपका बजट कहा जाता है। ठीक, आय या इसे प्राप्तियां भी कहते हैं और एक है आपका व्यय। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको तीन वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक है आपके वित्तीय देनदारी, दूसरा है परिसंपत्ति और तीसरा है आपके उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। वित्तीय देनदारियां मतलब पैसों का लेन देन, परिसंपत्ति यानी कि इसे आप समझ सकते हैं संपत्ति, प्रॉपर्टी, एसेट्स, और तीसरा होता है आपके उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का मतलब, मान लीजिए आपके पास एक संपत्ति है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के नाम पे आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े के ऊपर आपने एक इमारत बना दी, इमारत में आपने 10 कमरे बना दिए और 10 के 10 कमरों को आपने किराए पे चढ़ा दिया। अब उस इमारत से आपको हर महीने एक इनकम जनरेट हो रहा है, किराए के तौर पर एक इनकम जनरेट हो रहा है, यानी कि आपके पास एक परिसंपत्ति थी, उसे आपने उत्पादन कोटि का बना दिया। ठीक है, वैसे तो वो जमीन का टुकड़ा ऐसे ही खाली पड़े रहता, लेकिन उस परिसंपत्ति को आपने उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति बनाया, यानी कि उससे इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आपकी उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक, देखिए, ये जो आपका आय है इसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, आपका राजस्व आय, पूंजीगत आय। वैसे ही जो व्यय है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक, देखिए, अब ये राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय होता क्या है, इसे डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, राजस्व आय ऐसा सार्वजनिक आय जिससे न तो वित्तीय देनदारियों में कमी होती है और ना ही परिसंपत्तियों में वृद्धि या कमी होती है। देखिए, राजस्व आय का डेफिनेशन क्या है, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे न तो वित्तीय देनदारियों में वृद्धि या कमी होती है और ना ही परिसंपत्तियों में वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, दोनों में कोई भी आपका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि इसका अगर एक एग्जांपल लेते हुए हम चले, तो जब आप बचपने में, जब आप छोटे थे, तो उस समय आपके घर में अगर कोई मेहमान आता था, आपके घर में विजिट करता था, तो घर से जाते समय आपको वो मेहमान कुछ रुपए दे करके जाते थे। ठीक है, मेहमान से आपने वो रुपए लिया और उस रुपए को आपने अपने जेब में रख लिया, ये पैसा हुआ आपका। ठीक है, तो ये है आपका राजस्व आय, जिसमें न तो वित्तीय देनदारियों में वृद्धि या कमी होती है और न ही परिसंपत्तियों में वृद्धि या कमी होती है। इसका मतलब, उस मेहमान ने जो आपको पैसा दिया, तो ये पैसा आपको रखने के लिए दिया, इन फ्यूचर में आपको ये पैसा मेहमान को वापस लौटाना नहीं है, ये पैसा आपका ही है। ठीक, यानी कि वित्तीय देनदारी वहीं पर समाप्त हो गई, पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, उसने केवल पैसा दिया और आपने पैसा रख लिया। तो वित्तीय देनदारियों में न तो वृद्धि हुई ना तो कमी हुई, क्योंकि वित्तीय देनदारी वहीं समाप्त, और न ही परिसंपत्तियों में वृद्धि और कमी हुई। परिसंपत्तियों में वृद्धि और कमी का मतलब, उस मेहमान ने आपको पैसा दिया, पैसा आपने रख लिया, और उस पैसे के बदले आपने मेहमान को कुछ दिया क्या? नहीं दिया। ठीक है, कोई प्रकार की प्रॉपर्टी का लेन देन तो कुछ हुआ नहीं, यानी कि ना तो आपकी वित्तीय देनदारियों में वृद्धि या कमी होती है और न ही परिसंपत्तियों में वृद्धि या कमी होती है, तो यह कहलाता है आपका राजस्व आय। ठीक, वैसे ही है आपका पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय का मतलब ऐसा सार्वजनिक आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। ठीक है, वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। अब ये होता क्या है समझिएगा। देखिए, इस पूंजीगत आय के अंतर्गत मेनली रहता है आपका उधार और ऋण। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपको एक एलईडी टीवी खरीदना है। ठीक है, आप मार्केट में अपने दोस्त के साथ एक एलईडी टीवी खरीदने के लिए गए, आपको एक 50,000 का एलईडी टीवी पसंद आया, लेकिन आपके जेब में है 40,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आपको खरीदना है 50,000 का ही टीवी, तो आपके साथ जो आपका दोस्त गया है, आप उससे 10,000 रुपए उधार ले लेंगे।
आपके दोस्त ने आपको 10,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए आपने जेब में रखा, अब आपके जेब में हो गया टोटल कितना 50,000 रुपए। अब आप वो टीवी को ले सकते हैं। आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए इस शर्त में उधार लिया कि भविष्य में मैं तेरे को कुछ प्रतिशत ब्याज यानी कि 10% ब्याज के साथ तेरे को लौटाऊंगा भविष्य में, ठीक। तो देखिए यहां क्या बात हो रही है, डेफिनेशन समझिएगा। ऐसे सार्वजनिक आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हो रही है, यानी कि आपके दोस्त ने आपको पैसा दिया और इन फ्यूचर आपको अपने दोस्तों को पैसा लौटाना है, यानी कि आदान प्रदान बढ़ रहा है, वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हुई और परिसंपत्तियों में कमी हुई। परिसंपत्तियों में कमी हुई का मतलब इन फ्यूचर आप अपने दोस्तों को उसका 10,000 रुपए तो लौटाओगे ही और साथ ही साथ कुछ प्रतिशत ब्याज भी दोगे, यानी कि अपने जेब से दोगे, आपके परिसंपत्ति में कमी होगी। तो यह कहलाता है आपके वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हुई, परिसंपत्ति में कमी हुई, तो यह कहलाता है पूंजीगत आय, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब यह क्या होता है, राजस्व व्यय देखिए, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, ठीक है। ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, यह कहलाता है आपका राजस्व व्यय, ठीक है। पूंजीगत व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, यह कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय। देखिए राजस्व व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, जबकि पूंजीगत व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। इसका एग्जाम्पल समझिएगा, राजस्व व्यय के अंतर्गत आगे हम और डिटेल पढ़ेंगे। राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार जो योजनाएं चलाती है, जैसे कि आज के डेट में आपकी गोधन न्याय योजना चला रही है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तो उस योजना के अंतर्गत सरकार पैसे दे रही है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत सरकार पैसा खर्च कर रही है। तो सरकार पैसा खर्च कर रही है तो उसमें किसी प्रकार की उत्पादन कोटि का परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या, जिससे सरकार को पैसा बढ़ करके उसे वापस मिले, ऐसा होता है नहीं होता। तो यह कहलाता है आपका राजस्व व्यय जिसमें किसी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, जबकि पूंजीगत व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने एक आपका पावर प्लांट बनाया, जैसे कि मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, सरकार के पास पैसा था, सरकार ने उस और एक लैंड एरिया था, सरकार ने लैंड एरिया में एक पावर प्लांट बनाया जिसका नाम है मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र। उस मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र से आपके बिजली का उत्पादन हुआ और सरकार ने उस बिजली को बेचा और उसे बेच करके सरकार को इनकम हुआ, यानी कि सरकार ने क्या किया, उत्पादन कोटि के परिसंपत्ति का सृजन किया, तो यह कहलाता है आपके पूंजीगत व्यय, ठीक है। आगे और हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके आंकड़ों को। आय जिसमें है राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय ध्यान से समझते हो चलिएगा, इस साल जो आपका राजस्व आय है ये रहा आपका 83,831 करोड़ रुपए, ठीक है। बजट 2020-21 में जो राजस्व आय रहा वो रहा आपका 83,831 करोड़ रुपए, या आप इसको बोल सकते हैं 83,81 करोड़ रुपए, याद रखने के लिए 83,81 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% का इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हुआ, 10.75% की वृद्धि दर्ज की गई आपके राजस्व आय में, ठीक है। राजस्व आय को फिर से दो पार्ट में आपका आगे डिवाइड होगा, एक होता है कर राजस्व और दूसरा होता है गैर कर राजस्व। अब ये होता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, कर राजस्व यानी कि सरकार को जो टैक्स से इनकम होता है, ठीक है, करों से जो सरकार को इनकम होता है, करों से जो सरकार की आय आती है वो कहलाता है कर राजस्व। जबकि गैर कर राजस्व मतलब कर के अतिरिक्त, करों के अलावा, टैक्स के अलावा सरकार को जो इनकम होती है वो काउंट होता है गैर कर राजस्व के अंतर्गत, ठीक। तो देखिए ध्यान समझिएगा, कर राजस्व, इस आंकड़े को याद रखना है, कर राजस्व रहा आपके बजट 2020-21 में 52,958 करोड़ रुपए, और ये 52,958 करोड़ रुपए जो है इसकी भागीदारी रही आपके 63.17%, 63.17% की भागीदारी रही आपके राजस्व आय में। देखिए राजस्व आय कितना है, 83,831 करोड़ रुपए, उसमें से 52,958 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 63% जो भागीदारी है ये जो है आपके कर राजस्व है,
ठीक है, आपके राजस्व आय में सर्वाधिक भागीदारी है आपके कर राजस्व की, लगभग 63% के आसपास। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि दर्ज की गई 16.66% की। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण का जो पीडीएफ नोट्स जो जिनकी निधि में भी लिया हुआ है वो थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका टेबल बना हुआ है बजट वाला, यहां पर गलती से लिखा गया है आपका 10.75%। कौन सा वाला? ये वाला आंकड़ा, ठीक है। यहां पर जो आपकी वृद्धि है यहां पे 10.75% लिखाया हुआ है, तो उसे कट करके यहां पे लिखिएगा 66.66%। ये कर राजस्व की वृद्धि है, यहां पे गलती से ये वाला डाटा प्रिंट हो गया है, ठीक है, तो इसको हटा करके यहां पे 66.66% कीजिएगा। तो कर राजस्व कितना है आपका? 52,958 करोड़ रुपए, जो कि राजस्व आय का, जो आपका कर राजस्व है, कर राजस्व का राजस्व आय में भागीदारी लगभग 63% के आसपास है, ठीक है। देखिए अब ये कर राजस्व का, इसका अगर हम उदाहरण समझते हुए चलिए तो ये कौन कौन से है? निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू राजस्व कर, बिक्री कर, पूंजी कर, विद्युत कर, ये सभी के सभी जो है आपके कर राजस्व है, यानी कि टैक्स से, टैक्स के जरिए सरकार की कमाई है, ठीक। तो देखिए ये इसको और भी आगे हम क्लासिफाइड करना चाहे तो ये आगे आपके अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में क्लासिफाइड होता है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर जिसे लगाती तो केंद्र सरकार है लेकिन वसूलती है राज्य सरकार, ठीक है। ऐसा कर जो अध्यारोपित करती है केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार वो कर लगाती है जबकि वसूली करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। इसके एग्जांपल हम देखें तो आपके कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, इनकम टैक्स, आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती कौन है? राज्य सरकार, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स यानी कि ऐसे टैक्स, ऐसे कर जिसे लगाती राज्य सरकार है और वसूलती भी राज्य सरकार है, जैसे कि भू राजस्व कर, बिक्री कर, पूंजी कर, विद्युत कर, ये ऐसे कर है जिसे लगाती भी राज्य सरकार है और वसूलती भी राज्य सरकार है। ये जो आपके कर है ये आपके प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व है आपका 30,873 करोड़ रुपए, ठीक है, 30,873 करोड़ रुपए। अब ये गैर कर राजस्व क्या होता है? ऐसे कर राजस्व, ठीक है, यानी कि करों के अतिरिक्त जो सरकार को इनकम होता है ये कहलाता है आपका गैर कर राजस्व। नाम से ही स्पष्ट है, गैर यानी कि कर राजस्व के अलावा जो सरकार को इनकम होता है, जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो कहलाता है गैर कर राजस्व। कितना है? 30,873 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसमें शामिल क्या क्या है इसे समझिएगा। निवेशों से प्राप्त लाभांश, यानी कि सरकार ने भूतकाल में कोई निवेश किए होंगे उससे सरकार को वर्तमान में जो इनकम हो रही है यह कहलाएगा आपका निवेशों से प्राप्त लाभांश। जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, सरकार ने आपके पिछले साल या आपके 2016 में सरकार ने मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र बनाया, उससे विद्युत का उत्पादन हुआ, विद्युत के उत्पादन करके सरकार ने मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र के विद्युत को तेलंगाना सरकार को बेचा, तेलंगाना सरकार ने उसके एवज में सरकार को कुछ पैसे दिए, तो ये क्या है? सरकार ने क्या किया था? निवेश किया था, किसमें? मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र में, और उस निवेश से अब सरकार को लाभ हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका गैर कर राजस्व के अंतर्गत निवेशों से प्राप्त लाभांश, ठीक है। सरकार ने जो निवेश किए थे उससे सरकार को जो इनकम हो रही है वो कहलाता है निवेशों से प्राप्त लाभांश। नेक्स्ट है ब्याज प्राप्तियां। सरकार जो किसानों को अल्पकालीन ऋण, यानी कि जो सरकार जो ऋण देती है, किसानों को ऋण देगी, मछुआरों को देगी, एकदम अल्प ब्याज, बहुत ही कम ब्याज पे जो सरकार आपका ऋण देती है, सरकार जो है किसानों को अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर देती है, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं उनसे कुछ परसेंट, 2% 3% ब्याज वसूलती है, ठीक है। तो सरकार जो ऋण देती है, बहुत सारी रोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण देती है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण देती है, तो ऐसे अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत सरकार जो ऋण देती है तो उस ऋण से सरकार को जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत काउंट होता है, ठीक। तीसरा है अनुदान विदेशों से और आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से, जैसे कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और आपका IMF। वर्ल्ड बैंक जो है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को कुपोषण से लड़ने के लिए कुछ अनुदान देता है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्था छत्तीसगढ़ को अनुदान देती है, तो ये भी सरकार की जो है आपके गैर कर राजस्व है, जो कि टैक्स के अलावा सरकार के खजाने में आ रहा है। उसके बाद है केंद्र से प्राप्त अनुदान, यानी कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को जो अनुदान देती है। देखिए एक होता है अनुदान और एक होता है ऋण या उधार, इसमें डिफरेंस क्या है?
ऋण या उधार, ऋण ऐसे धनराशि को कहेंगे जिसके बदले में आपको भविष्य में ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, वो पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे और लौटाने के साथ साथ आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। और अनुदान का मतलब ऐसे पैसे जो आपको दिया गया है और उसे आपको लौटाना नहीं है, तो ये कहलाता है आपका अनुदान। ऋण जिसे वापस करना पड़ेगा, अनुदान जिसे आपको वापस नहीं करना है, तो ये कहलाता है आपका अनुदान। तो केंद्रीय अनुदान, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका गैर कर राजस्व है, गैर कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान जो है ये इसी केंद्रीय अनुदान का है, यानी कि केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है उसका है, ठीक है। सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? केंद्रीय अनुदान की है। कितना परसेंट? 70.15%। जो सरकार को गैर राजस्व से जो कुल इनकम हो रहा है उसका अकेले 70% आपका जो है केंद्रीय अनुदान से सरकार को प्राप्त होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि गैर कर राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? निवेशों से प्राप्त लाभांश की, ब्याज प्राप्तियों से, अंतरराष्ट्रीय संगठन से प्राप्त अनुदान से, या केंद्रीय अनुदान से? ध्यान दीजिए, केंद्रीय अनुदान से सरकार को सर्वाधिक गैर कर राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय जिसका डाटा यानी इसका आंकड़ा है आपका 12,259 करोड़ रुपए, ठीक है, 12,259 करोड़ रुपए है आपका पूंजीगत आय। पूंजीगत आय के अंतर्गत उधार और ऋण को काउंट किया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है आपकी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से जो है 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आपका धान खरीदती है, लेकिन सरकार के खजाने में पैसा नहीं रहता। सरकार अक्सर क्या करती है, आपके RBI से ऋण लेती है, ठीक है, RBI से ऋण लेती है। RBI जो है लोन को पास करता है और सरकार को जो है पैसा देता है। तो ये पैसा कहाँ आ रहा है? सरकार के खजाने में आ रहा है। तो ये सरकार की क्या है? इनकम है, आय है, क्योंकि खजाने में आया, भले ही वो उधार या ऋण के तौर पे क्यों ना हो, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पूंजीगत आय, जो कि बजट 2020-21 में रहा 12,259 करोड़ रुपए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका व्यय, जिसमें है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें किसी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। इसका आंकड़ा क्या है? 81,399 करोड़ रुपए, यानी कि जो राजस्व व्यय है पिछले साल के बजट में रहा आपका 81,399 करोड़ रुपए। अब देखिए ये राजस्व व्यय होता क्या है? राजस्व व्यय फिर से आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक है आपका योजनागत व्यय और दूसरा है गैर योजनागत व्यय। नाम से स्पष्ट है, योजनागत व्यय यानी कि देखिए योजनागत मतलब योजना बनाकर, व्यय मतलब खर्च। ऐसे खर्च जो सरकार योजना बना करके करती है वो कहलाता है आपका योजनागत व्यय। जबकि गैर योजनागत व्यय नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे खर्च जिसे सरकार बिना किसी योजना बनाए करती है वो कहलाता है आपका गैर योजनागत व्यय। अब ये होता क्या है इसे समझिएगा। योजनागत व्यय मैंने क्या बताया, ऐसे खर्च जिसमें जो सरकार योजना बना करके करती है, जैसे कि सार्वजनिक योजनाएं। सार्वजनिक योजना मतलब जैसे इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, निःशक्त जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो ये सभी सही योजना जो है इसके अंतर्गत सरकार को पता है कि कितनी धनराशि किस किस योजना में खर्च करना है। हर किसी योजना के अंतर्गत सरकार के पास एक लमसम डाटा रहता है कि इस योजना के अंतर्गत इतने सारे रजिस्टर्ड पंजीकृत लोग मौजूद है तो उसमें कितने खर्च होंगे, तो सरकार के पास ये डाटा मौजूद है। उसके हिसाब से सरकार को पता है, सरकार के पास योजना है कि कितने रुपए उसमें खर्च करने हैं। तो ये कहलाता है आपके योजनागत व्यय, जिसमें सरकार को पता होता है कि इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए खर्चे होने वाले हैं, ठीक है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक योजनाओं के अंतर्गत, साक्षरता के अंतर्गत, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा परिवहन, ये सभी योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका गैर योजनागत व्यय, जिसमें सरकार को पता ही नहीं होता कि कितने रुपए कहां खर्च होने वाले हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीजें रहती है, जैसे कि ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी मतलब सरकार ने जो ऋण और उधार लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको सरकार आरबीआई से ऋण लिए, लेकिन आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये समय समय पर जो है चेंज होते रहती है, जिसके कारण जो ब्याज का परसेंटेज है वो भी चेंज होते रहता है। तो सरकार ने जो उधार लिया तो उसका ब्याज तो लौटाना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, बदलते रहता है। तो इसके कारण सरकार को पता नहीं रहता कि ब्याज अदायगी में कितने रुपए जाएगा। उसके अलावा सब्सिडी। सब्सिडी मतलब जैसे कि सिलेंडरों पे सब्सिडी मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 200 रुपए अंशदान पर आपका एक चूल्हा और सिलेंडर दिया जाता है, बाकी बचा हुआ 1530 रुपए जो है सरकार स्वयं वहन करती है। तो ये जो आपका 1530 रुपए की जो राशि है ये कहलाएगा आपका सब्सिडी।
तो सब्सिडी के अंतर्गत व्यय होता है। हर साल जो है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हम बात करें, तो हर साल जो है इसमें नए नए लोगों को, यानी कि और भी एक्स्ट्रा लक्षित वर्गों को शामिल किया जाता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड डाटा रहते हैं। उसके अलावा है प्रतिरक्षा सेवाएं। प्रतिरक्षा सेवाएं का मतलब, जैसे कि मान लो आपका भारत चीन के मध्य भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, अचानक से जो है भारत, जो आपके चीन के जो सैनिक है वो आपकी सीमा पर आ गए, जैसे LAC जो है जम्मू कश्मीर से लगा हुआ जो क्षेत्र है चीन का, वहां पर आपके चीन के सैनिक आ गए अचानक से, उनकी संख्या बढ़ गई, तो भारत सरकार को तुरंत वहां पर जो है, क्योंकि वो तनाव वाला क्षेत्र है, वहां पर भारत सरकार को तुरंत एक सेना की टुकड़ी भेजनी पड़ी। तो वहां पर जाकर के जो सेना के जो जवान वहां पर जाकर रहेंगे, उनके रहने का खर्च, खाने पीने का खर्च, उनको जो सेवा दी जाएगी उसका खर्च, तो ये अचानक से जो प्रतिरक्षा में जो सरकार जो निवेश करे, पहले से तो पता नहीं था कि चीन के सैनिक अचानक से आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है, ये पहले से तो योजना बना करके नहीं रखा था सरकार ने, लेकिन आ गए, तो उस कंडीशन में जो सेना को वहां भेजना पड़ा, सेना की टुकड़ी को वहां भेजना पड़ा, तो उनका जो खर्च हो रहा है वो भी आपकी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। जैसे अचानक से समझ लीजिए कोई नक्सलाइट हमला हो गया या कोई आतंकवादी हमला हो गया, तो वहां पर जो सेना की टुकड़ी को भेज रहे, जो प्रतिरक्षा में जो सरकार खर्चा कर रही है, देखिए जो प्रतिरक्षा, ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, लेकिन उसको एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन सेवाएं। आपातकालीन सेवाएं यानी कि इमरजेंसी, जैसे कि अभी अचानक से अनएक्सपेक्टेड कोरोना संक्रमण का काल आ गया, ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति बन गई, कभी से अचानक से मान लीजिए जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे भूस्खलन की स्थिति आ जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाते हैं, कहीं पे भूकंप आ जाते हैं, तो ये सभी के सभी सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके गैर योजनागत व्यय। एक साल का प्रश्न था PSC का कि सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में होता है, तो ब्याज अदायगी में, ठीक है, जो आपके ब्याज अदायगी में सरकार का सर्वाधिक गैर योजनागत व्यय होता है। नेक्स्ट है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जो कि रहा आपका 13,814 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय क्या होता है, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें जिसमें जो है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, ठीक है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, इसके अंतर्गत सरकार जो है निवेश करती है और भूमि अधिग्रहण करती है। निवेश करती है मतलब सरकार ने जैसे मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया, ठीक है, उस अभी देखिए मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र आज भी विवादों में घिरा हुआ है, इसमें दो यूनिट थी जिसमें से एक ही यूनिट चल रही है, उस यूनिट से जो बिजली का उत्पादन हुआ उसे तेलंगाना सरकार को दी, तेलंगाना सरकार ने उस बिजली का यूज किया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, ये सभी चीजों को अभी हम साइड रख रहे हैं, केवल एग्जांपल बता रहा हूं। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, सरकार ने निवेश करके मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र को बनाया, अब उस संयंत्र को बनाया यानी कि सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया, इसे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति बनाया, क्यों, क्योंकि इस आपके जो प्लांट से जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है सरकार उसको तेलंगाना सरकार को बेच रही है और तेलंगाना सरकार को एक इनकम हो रहा है, तो ये कहलाएगा उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। भूमि अधिग्रहण यानी कि सरकार जो है किसी एक लैंड एरिया को लीज पर लेती है, पट्टे पर लेती है और वहां पे कोई आपके फैक्ट्री बना करके 25-30 साल के लीज पे लेके वहां पे कोई फैक्ट्री बना करके उससे भी कुछ इनकम वसूल रही है, तो ये कहलाएगा उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति जो कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत काउंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कर राजस्व का डाटा इसको याद रखिएगा, कर राजस्व की भागीदारी कितनी है आपके राजस्व आय के अंतर्गत, वृद्धि कितनी हुई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा आपका कर राजस्व है, कौन सा गैर कर राजस्व है, किसका सर्वाधिक भागीदारी है, ये सबको याद करते हुए चलिएगा। अब नेक्स्ट देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 83,831 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय कितना है आपका, 81,399 करोड़ रुपए। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24,31 करोड़ रुपए। ये सभी के सभी आंकड़े आपके करोड़ में है, ध्यान दीजिएगा 24,31 करोड़ रुपए। देखिए अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आंकड़े कुछ और आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आगे दशमलव के बाद भी कुछ और है, वरना आप बोलोगे कि सर 1 से 9 को माइनस करेंगे या 11 से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, फ्रैक्शन भी है आगे, दशम डेसिमल के आगे और भी डिजिट है, तो करोड़ में आंकड़े हैं, माइनस करेंगे तो प्लस में आ रहा है डाटा आपका 24,31 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका राजस्व आधिक्य, इसको भी याद रखिए, राजस्व आधिक्य कितना है 24,31 करोड़ रुपए। अगर यही आंकड़ा जो है आपका माइनस में आता तो ये कहलाता है राजस्व घाटा, लेकिन प्लस में आया है तो ये कहलाएगा आपका राजस्व आधिक्य। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ के कर राजस्व के प्रमुख स्रोत, ठीक है, सरकार जो टैक्स से वसूल करती है यानी कि जो 52,958 करोड़ रुपए जो सरकार ने वसूला टैक्स के माध्यम से कर राजस्व के रूप में, तो उसमें सर्वाधिक भागीदारी किस किस कर की है, ठीक है, ये आंकड़ा जो है ये आंकड़ा है आपका 2020-21 का 2020-21, ठीक। देखिए यहां पे बना हुआ है आपका एक पाई डायग्राम,
इस सरकार ने जो कर राजस्व है, सरकार के कर राजस्व के प्रमुख स्रोत में सरकार को जो सर्वाधिक इनकम हुई कर राजस्व के तौर में, वो हुई आपके स्टेट जीएसटी से। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी होता है। तो सरकार को जो है आपके कर राजस्व के तौर पर सर्वाधिक जो आपकी इनकम हुई वो स्टेट जीएसटी के रूप में हुई, ठीक है। उसके बाद 22% जो है उत्पाद कर से प्राप्त हुआ, उसके बाद बिक्री एवं व्यापार कर के रूप में 16% प्राप्त हुआ, बिजली कर के रूप में 9% प्राप्त हुआ, वाहन कर यानी कि व्हीकल टैक्स के रूप में 6%, भू राजस्व कर के रूप में यानी कि लैंड रेवेन्यू के रूप में 6%, जबकि अन्य के अंतर्गत है आपका 3%, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कर राजस्व में सर्वाधिक राजस्व किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो वो है आपका स्टेट जीएसटी से। अगर स्टेट जीएसटी ऑप्शन में नहीं है तो क्या लेंगे उसके बाद, उत्पाद कर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है। तो ये है आपका अध्याय 5 लोक वित्त, सारे डाटा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंकड़े से ही प्रश्न आते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न भी आते हैं, जो समझाया उसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चीज़ों को या क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, किसी भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।